नाथाय नमः। चादली रानीबा, रानीबा, आज आप हमारे लिए क्या लाई हैं? वही जो आपको सबसे अधिक पसंद है। खीर। प्रंचुपान वायु नैवेद्यम समर्पयामि। हे सोमनाथ भगवान, हमारी चागली की निश्चल भक्ति को स्वीकार करना, अपनी कृपा दृष्टि इस पर सदा बनाए रखना। तनकारिया गांव के पंचायत ने राजकुमारी शोभा को एक साक्ष के लिए उपस्थित होने का आग्रह किया है। हमारी शोभा? जी महारानी जी। परंतु क्यों? महारानी जी, गांव के सुनार की शिकायत पर एक बुढ़िया पकड़ी गई है, उसी संबंध में कुछ यदि महारानी आदेश दे। आज्ञा दीजिए नारानी बा। ठीक है। राजकुमारी जी, क्या ये कंगन आपके हैं? ये कंगन हमारे हैं, पर ये आपको कहां से मिले? ये बूढ़ी बा ने चुराए हैं। महारानी जी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूख से बिलख रहे हैं। महारानी, इन्हें बेचकर अपने बच्चों को खाना खिला देना। भगवान आपको संसार की सारी खुशियां दे। कंगन हमारे थे, परंतु अब ये कंगन इन्हीं बूढ़ी बा के हैं। हमने समय ने ये दिए थे। सारी सच्चाई जानने के बाद पंच इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि बूढ़ी महिला निर्दोष है, और साहूकार को पंच ये आदेश देते हैं कि वो इस बूढ़ी महिला से क्षमा मांगे। हमें क्षमा कर दीजिए बूढ़ी बा, हमसे गलती हो गई है। लोमा बेन। अरे राजकुमारी जी, आप धन्य है मेरे भाग्य। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी निर्धन की कुटिया में। नहीं लोमा बेन, आप हमारी सखी की बड़ी बहन हैं, तो फिर हमारी भी बहन हुई। लोमा बेन, आज आपकी सखी गौरी बेन दिखाई नहीं दे रही। वो देवदासी बन गई है। देवदासी? क्या वो बहुत सुंदर है? हाँ बिल्कुल आपकी तरह। तो इस पे दुखी होने की क्या बात है? गौरी बता रही थी कि उसे वहाँ बहुत अत्याचार सहना पड़ता है। अत्याचार? देव की दासी पर कौन अत्याचार करता है? चाहिए तुझको बलि, ले ये तेरा स्वयं भक्त देता है स्वयं की बलि। लेकिन याद रख, फिर इस संसार में मुझ जैसी आराधना करने वाला कोई नहीं मिलेगा तुझे। अपने इस भक्त की लाज रख ले भवानी। जा भवानी जा, कर दे जीवित इस कन्या को। Hello, Pete!